जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की शादी कल संपन्न हो गई है। आपको हम बता दें कि इस शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग चल रही है और शत्रुघ्न सिन्हा को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उनके घर का नाम रामायण है। शत्रुघ्न सिन्हा चार भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न सिन्हा छोटे भाई थे, उन्होंने अपने घर का नाम जो है वो रामायण रखा था, लेकिन उनकी बेटी ने जिस प्रकार से जहीर से शादी की है उसको लेकर सोशल मीडिया पर जो यूजर्स है काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं। उनके बेटे का नाम भी लव कुश रखा गया था, लेकिन जब उनकी खुद की बेटी सोनाक्षी ने जिस प्रकार से शादी की है, हालांकि बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी से खुश नहीं थे क्योंकि उनसे एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि क्या आप अपनी बेटी के शादी में जाएंगे, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है कि शादी कब है, बच्चे अब पूछते नहीं सिर्फ बताते हैं और वो हमें बुलाएंगे तो हम शादी में ज़रूर जाएंगे। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा का शकल जो है वो उतरा हुआ है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी से खुश नहीं थे, बावजूद इसके वो शादी में शामिल हुए अपने बच्चों की खुशी के लिए। जाहिर से शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा एक अलग ज़िंदगी जिएंगे। हालांकि आपको बता दें कि पटना में उनके विरोध के लिए फोटो और पोस्टर भी लगाए गए हैं कि सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में नहीं घुसने देंगे। आपको हम बता दें कि काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा को लेकर हो रही है, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर हो रही है। तो आपको हम बताएं कि कारण भी है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने घर का नाम रामायण रखा है, आप जिस प्रकार से वीडियो में देख पा रहे होंगे, और उनके बेटे का नाम लव कुश रखा गया था। तो सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि यह एक राम परिवार है, राम को मानने वाली परिवार है और रामायण से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर परिवार है, लेकिन जब उन्हीं की बेटी एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करती है तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आपको हम बताएं कि जाहिर को लेकर कई दिनों से बातें सामने आ रही थी कि सोनाक्षी सिन्हा उनसे शादी कर सकती है, लेकिन कल उन्होंने शादी कर लिया है। इस शादी में उनकी माँ भी शामिल हुई हैं, उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हुए हैं, जिसको लेकर ट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। आपको हम बताएं कि पोस्टर बैनर लगाए गए हैं बिहार के पटना में और सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में नहीं घुसने देंगे, इसको लेकर के पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्विटर पे यूजर्स जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग जो है शत्रुघ्न सिन्हा को कर रहे हैं, उनके वीडियो को शेयर कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो शादी में खुश नहीं दिख रहे हैं वो सारे वीडियो को लोग ट्वीट कर रहे हैं और अपने अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने कल शादी कर लिया है, शत्रुघ्न सिन्हा उनको आशीर्वाद देते हुए देखे जा रहे हैं, उनकी माँ भी उन लोगों को आशीर्वाद दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शादी ज़्यादा ही विवादों में घिरा हुआ है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।